करके अभी उनको थाने पे भेजा गया है। बाकी गोली चली होगी, बाकी जो है अभी हम लोग उससे अग्रतर पूछताछ करेंगे कि उसको किसके द्वारा भेजा गया था और क्यों, हत्या का कारण क्या था। जो अभिषेक उर्फ छोटे सरकार हैं उनकी मृत्यु जैसा बता रहे हैं हो गई है। कहाँ के सरकार गोल लगातनी समाचार बटुए राजधानी पटना से बड़ा खबर आ रहा बटुए। कोर्ट में पेशी के समय ले गई अपराधी के ही अपराधी गोली ठोक दी हल जगह पर, कहानी भइल खत्म। खबर का वास्तव बताई भोजपुरिया समाचार। पटना पश्चिम एसपी राजेश कुमार के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद खबर के शेयर जरूर करी। देख सकीला कवना तरीका से अपराधी या अपराधी के अंदर डर नाम के चीज खत्म हो चुकल बटू। पुलिस के सामने ही अपराधी एगो अपराधी के तड़ातड़ गोली महमंड में ठोक के कहानी खत्म कर दी हले बाटे। मामला राजधानी पटना के दानापुर अनुमंडल दानापुर कोर्ट के परिसर में पेशी खातिर ले गई अपराधी के गोली ठोक दिहल गई। घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनल बा। घटना के पुष्टि करत पटना पश्चिम एसपी राजेश कुमार बतैनी कि अभिषेक कुमार उस छोटे सरकार बिहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदराबाद के निवासी रहन, जौन हत्या समेत कई गो मामला में आरोपी रहन। फिलहाल वो बेऊर जेल में बंद रहन, जिनका के पेशी खाती दानापुर कोर्ट ले आवल जात रहे। यही दौरान दू के संख्या में आ रहा अपराधी अंधाधुंध फायरिंग कर दलन, जौना से अभिषेक उर्फ छोटू सरकार के गोली लागी गई। छोटे सरकार के गोली लागे से कहानी जगह पर खत्म हो गई। घटना से पुलिस चार गो खोखा बरामद कैले बिया। घटना के अंजाम देवे वाला अपराधी के पुलिस पकड़ लिहले बिया। उनका लोग से पूछताछ कई जा रहा बा, बतावल जा रहा बा कि गोली चलावे वाला युवक मुजफ्फरपुर के रहे वाला रहा था। एकनी के अपराधी घटना के अंजाम देला के बाद मौका देख के भागे के फेरा में रहा सन, लेकिन पुलिस यह लोग के दबोच ले बिया। अब भोजपुरिया समाचार एसपी के बयान सुनावे जा रहा बा। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कली, देखला के बाद खबर के शेयर जरूर करी, ताकि सबसे पहले भोजपुरिया भोजपुरिया समाचार के धमक रौरा मिलत रहे। सुनी यह मामला में एसपी पश्चिम राजेश कुमार का कहतानी, पटना पश्चिम एसपी हैं यहाँ के का कहतानी यह संबंध में। लेकिन जौना तरीका से अपराधी के तांडव पटना में भइल बा, खुलिया में तरह से घटना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा बटुए। बयान सुनी सब कुछ देखो रेडी है ना सब, और ऊपर करो हेलो और ऊपर करो हल्का। क्या मामला सर, हत्या हुई है, क्या कहेंगे? देखिए अभिषेक कुमार उर्फ छोटे सरकार जो सिकंदरपुर बेटा का रहने वाला था, उस पर काफी सारे हत्या के मुकदमे थे। उनकी पेशी जो है दानापुर कोर्ट में करवाया जा रहा था, उसी दौरान दो व्यक्तियों के द्वारा हमला किया गया जिसमें उनको गोली लगी। जो दोनों हमलावर थे उनको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है, पकड़ करके अभी उनको थाने पे भेजा गया है। बाकी गोली चली होगी, बाकी जो है अभी हम लोग उससे अग्रतर पूछताछ करेंगे कि उसको किसके द्वारा भेजा गया था और क्यों, हत्या का कारण क्या था। जो अभिषेक उर्फ छोटे सरकार हैं उनकी मृत्यु जैसा बता रहे हैं हो गई है। कहाँ के सर, पहचान हुई है और कहाँ से? हमलावर अभी चूंकि मैं तुरंत आया हूँ मुझे स्पष्ट नहीं, लेकिन जैसा मुझे पता चला है मुजफ्फरपुर के रहने वाले। कितने राउंड गोली चली होगी? देखिए कुल खोखा जो है कितना कितना मिला है, खोखा चार खोखा मिला है, और बाकी जो है उसको कितने गन शॉट इंजरी लगे हैं अभी तुरंत वो घटना घटी तो उनको लेकर के लोग हॉस्पिटल गए, वो अभी स्पष्ट हुआ। कितने अरेस्टिंग है सर? दो अरेस्टिंग है जो दोनों हमलावर थे, दोनों पकड़े गए। हथियार भी बरामद हुए हैं? जी सर जी, हथियार भी बरामद हुआ, दो हथियार। सर गोली चलाने वाले का नाम सर? ये अभी अभी जस्ट तो मैं आ ही रहा हूँ ना। ठीक है।